दोस्तों, अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आप SBI से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। आपके पास SBI का किसी भी टाइप का क्रेडिट कार्ड है तो आप इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के बाद हमें कोई भी इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं और ना ही कोई KYC डॉक्यूमेंट हमें देने हैं। SBI क्रेडिट कार्ड के तरफ से हमें प्री अप्रूव पर्सनल लोन की ऑफर मिल जाती है। SBI क्रेडिट कार्ड के तरफ से हमें इंस्टेंट प्री अप्रूव पर्सनल लोन की ऑफर मिलती है, जिसमें हमें कोई भी इनकम प्रूफ और कोई भी KYC डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने होते हैं। लोन अप्लाई करने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे SBI क्रेडिट कार्ड की ऑफर हमें अप्लाई करनी है, कैसे इस लोन को हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट होता है और कितना टेन्योर हमें मिलता है इस लोन को रीपेमेंट करने के लिए। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, हम यहाँ पे लाइव प्रूफ यहाँ पे लोन अप्लाई करके देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, जिससे हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो चैनल पर अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम है SBI क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन पर। लोन अप्लाई करने के लिए हमें SBI क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। SBI क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम यहाँ पे ही हमारी ऑफर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कितने लोन की ऑफर मिली है। अगर आपको आपके क्रेडिट कार्ड की ऑफर नहीं दिखती है तो आप सीधे ही आप यहाँ पे EMI एंड मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वरना यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करके आपकी ऑफर भी चेक कर सकते हो। तो आपको सीधे तरीके से अगर इस लोन को अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे स्टार आपको दिख जाएगा, उस पर आपको EMI एंड मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से हमें कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, अवेल न्यू कार्ड, बैलेंस ट्रांसफ़र इन कैश, फ्लेक्सी पे। तो हमें यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है। जैसे हमें HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड में इंस्टा जंबो लोन मिलता है, वैसे ही SBI क्रेडिट कार्ड में हमें इन कैश लोन मिलता है। तो हमें इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने के लिए इन कैश क्लिक करना है। इन कैश ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमारे सामने इन कैश एप्लीकेशन का पेज खुल जाएगा। यहीं पे हम सीधे देख सकते हैं कि हमें SBI क्रेडिट कार्ड कितनी लोन की ऑफ़र प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी जो ऑफ़र, यहाँ पे मुझे लोन मिल रहा है वो 3.5 लाख रुपये का है। आपके अकॉर्डिंग आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये हर एक व्यक्ति को अलग अलग ऑफ़र प्रोवाइड होती है, ना कि सबको एक ही लोन अमाउंट प्रोवाइड होती है। हर एक को अलग अलग अमाउंट यहां पे दी जाती है, किसी को 2 लाख रुपए, किसी को 1.5 लाख रुपए। तो आपके कार्ड के यूज़ पे है, आप कैसे कार्ड यूज़ करते हो। तो मुझे यहाँ पर 3.5 लाख रुपये लोन अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहीं से ही हम कम या ज़्यादा हमें जितनी भी ज़रूरत है उतनी अमाउंट यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कम से कम अमाउंट 25,000 रुपये ले सकते हैं, उससे कम हम अमाउंट नहीं ले सकते। तो चलिए हम यहाँ पे एक अमाउंट सिलेक्ट कर देंगे, सेट कर देंगे और उसके बाद हम लोन के लिए अप्लाई कर देंगे। आपकी जितनी भी नीड हो आप यहीं से ही आपकी अमाउंट सेट करके आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 50,600 फिक्स कर दी है, उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमें 4 स्टेप पूरे करने होते हैं इस लोन को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, टेन्योर मिलता है और हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टेन्योर हमें 48 महीने, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने। हम यहीं से ही जितने दिन के लिए हमें इस लोन को लेना है उतने दिन का हम यहाँ पे टेन्योर सेट कर सकते हैं। अगर हम 12 महीनों के लिए ये लोन लेते हैं तो हमें यहाँ पे 12% से इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। अगर हम यहाँ से 48 महीने के लिए लोन लेते हैं तो 13% से इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। 24 महीनों के लिए लेते हैं यानी कि 2 साल के लिए लेते हैं तो यहाँ पे हमें 12% से लोन मिल जाएगा, और 36 महीने के लिए लेते हैं तो 12.5% से हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं 24 महीनों के लिए 50,000 रुपये। तो हम यहाँ पे 24 महीने सिलेक्ट कर देंगे। यहीं पे ही हम हमारी प्रोसेसिंग चार्जेस भी देख सकते हैं, 50,000 रुपये के लिए हमारे कितने प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे काट लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्जेस, अगर आप 48 महीनों के लिए लोन लेते हो या 12 महीनों के लिए या 24 महीनों के लिए या 36 महीनों के लिए, तो यहीं से हमारी प्रोसेसिंग चार्जेस काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्जेस हमारे बनते हैं वो 1,012 रुपये है, और हमारा जो EMI बनेगा 24 महीनों के लिए, हर महीने हमें जो EMI पेड करना
करना है वो यहाँ पे 2381.92 रुपये लगभग यहाँ पे 2400 रुपये का EMI बन रहा है जो कि मुझे हर महीने पेड करना पड़ेगा 2 साल के लिए। तो चलिए हम यहाँ से ही कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमें जो बैंक में ये अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है उस बैंक की डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे मैंने मेरे बैंक डिटेल यहाँ पे सेव कर ली है। उसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। आपको एक बार आपके बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे फिर से एक बार चेक करना है, कंफर्म करना है और आपका IFSC कोड भी आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको आपके बैंक का IFSC कोड उसकी बारे में जानकारी नहीं है तो आप यहीं से ही उसे सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करेंगे और आपका बैंक सिलेक्ट करके, आपकी सिटी सिलेक्ट करके आप यहीं से ही IFSC कोड यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक बार वेरीफाई योर बुकिंग, हमें फिर से एक बार सारी डिटेल देखने के लिए यहाँ पे हमें कहा गया है। तो हम यहीं से ही सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे आई एग्री पे हमें क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे नीचे चेकबॉक्स देख रहे हो, क्लिक करेंगे वहाँ पे हरी टिक आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो मुझे अभी यहाँ पे लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको अगर इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है तो आपको कहीं भी किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप इन कैश इंस्टेंट पर्सनल लोन SBI क्रेडिट कार्ड के तरफ से ले सकते हो और आपको यहाँ पे सबसे कम इंटरेस्ट के साथ इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाएगा।